अच्छा ईद मुबारक एक दफा फिर से। नसीम कैसा स्टूडेंट था? देखिए पढ़ाई का शौक मैं यही कहूँगा कि कुछ अरसे तक था, जब मैं पांचवी क्लास तक या छठे क्लास तक था तो पढ़ाई का ये शौक था कि पढ़ाई थी करनी और जब तक क्रिकेट की लत नहीं लगी थी। और अबू आई थिंक इनको अभी तक पता होगा कि मुझे बता रहे थे कि पढ़ाई में आप अच्छे हो, इतने बुरे नहीं हो, लेकिन उसके बाद जब फोकस सारा क्रिकेट पे चला गया, बस जब भी स्कूल में ब्रेक होता है, घर के साथ स्कूल था हमारा, बिल्कुल टच में दीवार है और माशाल्लाह से सबसे लेट हम ही जाते थे, जैसे पता चल जाता था ना कि यार बस आवाज़ आ गई बेल की तब हम जाते थे। तो हमें मार भी वहाँ पर बहुत पड़ती थी और वो प्रिंसिपल जब कॉल करते थे इनको कि नहीं, हम इनको बताते थे कि आके मारा है, तो ये लोग कॉल करके दोबारा कहते कि थोड़ा और मारो। जब छुप छुप के जो है वो जाके क्रिकेट खेलना शुरू की तो कौन, अम्मी छुपाती थी अब्बू से कि हाँ जी वो गया है किसी दोस्त के पास गया है, या क्या अम्मी थी वो दीवार जो कि होता है ना, माँ होती है वो दीवार बीच में जो खड़ी होती है कि हाँ जी कोई बात नहीं वो किसी काम से गया हुआ है? वो बहुत दफ़ा ऐसे हुआ है कि जो स्कूल हम जाते थे वो रास्ता घर से बिल्कुल दरवाजे से बाहर आप निकलते हो ना तो इस तरह बाग टाइप जगह आती है, उसमें से निकल के जाना होता था। तो हम क्या करते थे कि हमें जब मैच खेलना होता था तो वो बैग जो था ना वो उस बाग में किसी जगह पे छुपा के रख देते थे, और ताकि इनको लगे कि हम बैग उठा के स्कूल चले गए, वहाँ पर रख के वापस वहाँ से सीधा जो है ना मैच पर चले गए, कोई टेबल वगैरह का मैच होता था। तो जब वापस स्कूल के टाइम आते थे तो बैग दोबारा से लिया और बहाना ऐसे किया कि हम वापस स्कूल से आ गए। बहुत दफ़ा मतलब फंसे हुए हैं कि इसी तरह कहीं देखा अचानक से कि ये तो अभी तक इधर है, स्कूल नहीं गया, तो फिर अम्मी को साथ मिलाता था और अम्मी जो है ना बचाती थी साथ के, नहीं ये तो गया हुआ था, ब्रेक हुआ या इस तरह, तो लाइक सब बहुत दफ़ा मतलब उन्होंने बचाया। और ये भी होता था कि क्रिकेट के लिए इनको पता था कि ये जो पैसे वगैरह लेके जाते स्कूल के अलावा, इन्होंने जाके टेप वगैरह वो जो बॉल पे चढ़ाते वो लेने या जो टेप बॉल है वो लेने, तो उसके लिए पैसे नहीं देते थे। वो ये कहते थे कि आप लोग, मुझे पता है कि आप लोगों ने भी जाके इन पे बॉल लेना है और या वो लेना है, तो ये नहीं करना। तो फिर अम्मी के पास पैसे होते थे, मुझे बहुत अच्छी तरह याद है कि वो जो दुपट्टा होता है ना उसमें साइड पर कई वो बांधे होते थे, तो यूँ करके निकाल के देते थे कि बस बताना नहीं है कि मैंने आपको क्रिकेट के लिए पैसे, क्योंकि अम्मी को तो आइडिया नहीं था कि क्रिकेट क्या होती है, लेकिन हमारी खुशी के लिए वो चीज़ें करती थी। और आई थिंक मैं यही कहूँगा कि अगर वो ना खेलते उस टाइम वो पैसे नहीं तो शायद क्रिकेट भी ना खेलता। बिल्कुल, यानी वो जो वो उनका सपोर्ट रहा। बिल्कुल। बट आपने कब, किस वक्त आपने जो है ये माना कि हाँ शायद मेरा बेटा क्रिकेट में कुछ कर सकता है, कब आपने ये एक्सेप्ट किया कि कोई बात नहीं खेलने दें अंग्रेजों का खेल मेरे बेटे को? उस वक्त किया जब हम लाहौर आए सलमान खान के एकेडमी, तो उधर एक लड़का खड़ा था, तो उससे हमने पूछा कि आप क्यों खड़े हैं, तो मैंने उसने बताया कि इधर एक लड़का है धीर से आया हुआ है। अच्छा। और बॉलिंग कर रहा है तो मैं उनका बॉलिंग देख रहा हूँ, तो उसे वो वक्त मुझे आइडिया हो गया कि उनमें कोई टैलेंट है। अच्छा, वाह वाह वाह। वो मतलब वो आपको वो लड़का नहीं पता कौन है, घर के सब लोग कह रहे थे कि खेल सकता है, मगर वो उस लड़की की आपने गवाही मानी कि हाँ सही है वो। वाह जबरदस्त, मतलब सबसे ज्यादा ना उस लड़के को नसीम ढूंढ के उसका शुक्रिया करोगे, मेरे अब्बू को तुमने कन्विंस किया। बहुत था मुश्किल क्योंकि इन्होंने अब्बू ने ना इनको भी टाइम दिया हुआ था कि अगर पता नहीं 6 महीनों का साल का टाइम दिया था कि इसमें अगर कुछ खेल गया तो ठीक है। अच्छा। नहीं तो वापस ले आओ, मैंने दोबारा जो है ना इसको जो है ना पढ़ाना है स्कूल में। तो आई थिंक वो 1 साल का टाइम था, फिर अल्लाह ने रहम कर दिया इनको भी थोड़ा सा, फिर बाद में आहिस्ता आहिस्ता आइडिया होता रहा कि लोग बताते रहे कि अच्छा खेलता है या अच्छा बॉलर है, तो फिर इनको थोड़ी बहुत यकीन आई कि शायद कोई आगे खेल लेगा कर सकता है, तो फिर थोड़ी सी इजाज़त मिल गई, हल्का हाथ हल्के किया। सलीम भाई आप लोग कितने बहन भाई हैं? हम 6 भाई है और 2 बहनें हैं। 2 बहनें जो है वो हमसे बड़े। अच्छा। उसके बाद मैं हूँ, और उसके बाद एक और भाई है, उसके बाद नईम शाह वो मेडिकल कर रहे, उसके बाद नसीम का नंबर है 4th नंबर पे, उसके बाद हुनैन शाह वो भी क्रिकेटर है नेशनल, और जो उसके बाद उबैद शाह है वो अंडर 19 खेल रहे हैं। अभी भी खेलते हैं आप क्रिकेट? मतलब कोई बैटिंग वैटिंग कभी होता है ना खानदान एक साथ कहीं जमा होता है तो? हम तो खैर वैसे शुगर मैं आपको एक इनकी स्टोरी क्रिकेट नहीं करते। हाँ।
और नहीं मतलब उतना खेलते, बहुत अच्छा खेलते माशाल्लाह से, लेकिन घर में अगर घर में इसको ऐसे बॉल फेंको तो बहुत अच्छी शॉटें मार देते, ऐसे वाली बॉल, हाँ ऐसे वाले बॉल पे मार देते हैं, एंट्री अच्छी कर लेती है, बाकी क्रिकेट का उतना ये आई थिंक ये दुनिया में मैं यही कहूँगा कि दुनिया में इनसे बड़े स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मैंने नहीं देखे होंगे ये और जो दूसरे भाई हैं, क्योंकि जब भी मैं आता हूँ ना तो ये लोग ये बात करते हैं कि कहीं ना कहीं मार पड़ जाती हैं, तो माशाल्लाह से मैं कहूँगा जैसे मैंने कहा कि बेस्ट एनालिस्ट है ये लोग, तो इनको पता होता है कि यार हाँ इधर बॉल करना है उधर करना है, कुछ भी नहीं पता होता, मतलब सिर्फ अपने हिसाब से बता रहे होते हैं टी वी देख के ऐसी में बैठ के सुकून से, जैसे अब ये टी वी लगा हुआ है ऐसे सुकून से लोग बैठ के मैच देख रहे हैं, चाय ले आओ चाय ले आते हैं, पानी पानी पियो, इनको नहीं पता अंदर क्या हो रहा है, कितनी गर्मी है, कितना मुश्किल हो रहा है, कितना क्राउड बैठा हुआ है, और आके फिर कहते हैं अगर छक्का चुक्का पड़ जाए यार इधर बॉल करना था इधर करना था, एक दिन मुझे गुस्सा आया तो ये इन लोगों को मैंने क्या किया कि मैंने इनको ट्रेनिंग कराई, मैंने कहा एक दिन आप लोग ट्रेनिंग कितनी देर की 20 मिनट की, 20 मिनट की ट्रेनिंग कराई और माशाल्लाह से फिर उठने के लायक नहीं थे, मैंने कहा कम ऑन आप करो कोई बॉल, तो ये घरों में बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे प्लेयर्स के ऐसे होते हैं वो तो अपने हिसाब से कहते हैं, लाइक उनका कोई ये नहीं होता कि जज करते, पर इन बेचारों को अपना जो है ना अपना एक यू नो अपने कोच बने होते हैं आपस में, मगर पता है ये मैं कहती हूं परफॉर्मेंस होती है ना तो सारी रात हमें नींद नहीं आती कि मतलब क्यों ऐसा हुआ, जिस तरह अफगानिस्तान के खिलाफ वो छक्के मारे थे उस वक्त तो हम बहुत खुश थे, लेकिन बाद में जो मैच हुआ और जिस तरह मतलब वो देखे ये तो फिर इनको देखना चाहिए ना कि खुशी भी ना अबू को नींद आई ना हमें नींद आई और हम इसमें थे कि यार अगर ये बाल सही करते ना तो आगे फिर डिपेंड हो जाता, इंशाल्लाह ये तो चलता रहेगा जिस तरह जावेद मिदाद ने वो छक्का मारा था, इस तरह और दो छक्कों के बाद जो इसकी वो फॉलोअर जितनी बढ़ गई है ना तो ये इनके लिए भी हमारे लिए भी, क्योंकि उसके बाद जो है बिल्कुल है डेफिनेटली है, बट मुझे ये बताएं कि ठीक है एक्सेप्ट कर लिया, जब नसीम ने पाकिस्तान की किट पहनी सबसे पहली दफ़ा कि मैं आके आपको बताया कि अब्बू मैं पाकिस्तान के लिए खेलूंगा, क्या क्या आपके तासुरात थे उस वक्त, क्या थे आप जज्बाती हैं, कहीं आंसू वासू आते हैं ऐसे जज्बाती हैं या नहीं? खुशी सिफाते हैं पर हम बहुत खुश थे इस वक्त, आपका अपना लड़का गया और पाकिस्तान का नाम रोशन करेगा तो इस वजह पर बहुत खुश थे हम, खुशी की कोई हद नहीं थी। कोई मशवरा आप अभी भी नसीम को देना चाहते हैं, क्योंकि देखें हमें ये पता है कि क्रिकेटर होने के साथ साथ शोहरत बहुत मिलती है, शोहरत के साथ साथ फैन फॉलोइंग बहुत मिलती है, बहुत आपके चाहने वाले लोग हो जाते हैं, मगर उस वाले नसीम में इस वाले नसीम में आपने क्या कोई फर्क देखा, और अगर फर्क देखा जो कि अच्छा आपको नहीं लगा तो आपने कोई सलाह मशवरा दिया नसीम को? तो मैं इसको ये सलाह मशवरा दे रहा हूँ कि जो भी साथ मिलने आए थे उनके साथ इनके सारी के साथ मिलो, आजीजी के साथ मिलो, क्योंकि अल्लाह को पसंद है, और न मिलने की वजह से इंसान परेशान भी हो जाते हैं, बददुआ भी दे रहे, तो मैं इनको बता रहा हूँ जो भी आए इनके इकराम इधर घर पर करो और इनके साथ बैठो, क्योंकि वो आए हुए हैं कोई सोच लेके आया हुआ है, इस वजह से बता रहा हूँ क्या आदमी के साथ आजीजी के साथ मिलो और पुराने वक्त को याद करो, ये न कहो कि मैं क्रिकेटर हूँ मैं ये हूँ ये मैं वही हूँ, तो ये नसीहत कर रहा हूँ और नमाज की पाबंदी का नसीहत कर रहा हूँ कि नमाज लाजम पढ़ो, क्योंकि तो बाकी नमाज हमारे काम आने वाली है ना, क्रिकेट तो 10 साल 5 साल बाद ख़त्म हो जाएगा, और हम सारे पाकिस्तान की टीम के लिए दुआएं दे रहे हैं, सिर्फ नसीम के लिए नहीं दे रहे, क्योंकि अगर सारा पाकिस्तान टीम जीत जाए तो नसीम की बुराई भी उसमें छुप जाती है, बिल्कुल, और नसीम अच्छा काम करे और टीम हार जाए तो क्या फायदा, तो हम सारी टीम के लिए और सारे पाकिस्तान के लिए दुआ कर रहे हैं।